जय जिंदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। एक बार फिर आप सभी के साथ मैं आपको बताने के लिए कि शनि महाराज बदल रहे हैं और कई लोगों के लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां ला रहे हैं। जो 2016 और 2015 और 2014 का आधा पीरियड, ढाई साल जिन्होंने बहुत तकलीफ सही है, या जिनकी साढ़े साथी खत्म हो गई, या जिन लोगों के लिए बहुत परेशानियां थी, आज उनके लिए मैं एक अच्छा संदेश लाई हूं। जी हां, आपके लिए शनि क्या इफेक्ट करेंगे सुनिए। राशि वाइज तो शनि जा रहे हैं धनु में शाम 7:29 पर 26 तारीख को, इनका इफेक्ट आएगा सुबह 27 तारीख से। तो शनि है वायु तत्व और धनु राशि है अग्नि तत्व, तो अग्नि में जब वायु तत्व आएंगे तो अग्नि तो फैलेगी, लेकिन कहाँ अग्नि अच्छी फैलती है, कहाँ प्रकाश देती है और कहाँ थोड़ा सा नुकसान देती, जला देती है, ये हमको जानना होगा। जलेगा कोई भी नहीं, क्योंकि शनि अपने स्वभाव के अनुसार कर्मठ, तपस्या, संयम, जप, तप, नियम करने वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और शांति से उनका भ्रमण हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप व्यसनी हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी व्यसन में लिप्त हैं और काम क्रोध मोलोभ अहंकार में लिप्त हैं, या बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठी नहीं करते, या आप संयम ही नहीं है, नियम ही, तब शनि महाराज थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। तो हो जाइए कर्मठ, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और जानिए मेष राशि से लेके मीन राशि तक का भविष्य शनि महाराज के वृश्चिक से धनु में भ्रमण के अनुसार। मेष राशि के लिए अष्टम से निकल जाएंगे शनि। आपकी हेल्थ बहुत खराब थी, इतने दिन अग्नि तत्व मंगल में ही बैठे हुए थे शनि और बहुत प्रकोप हो गया था, पेट का बहुत सारी समस्याएं, ब्लड से रिलेटेड आपने सही ढाई साल, और आपके परिवार में बहुत झगड़ा कले और साथ में धन संग्रह की प्रॉब्लम, आपका माइंड परेशान, इन सब चीज़ों से अब जाके आपको निजात मिल रही है। आपके ऑपरेशन हो गए, आपके एक्सीडेंट्स हो गए, ये सब आप शायद आप गुजरे हो, सभी गुजरे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि किसी किसी की कुंडली में दशा महादशा भी देखी जाती है, लेकिन फिलहाल आपके लिए अच्छा संदेश लाए हैं शनि महाराज। अब शनि महाराज जहाँ बैठेंगे वहाँ आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे, क्योंकि स्वभाव अनुसार वो वायु तत्व है और धनुराशि जो है अग्नि तत्व है, तो आपके भाग्य की वृद्धि हो जाएगी। आपको तरह तरह के कॉल आएंगे और लोग आपको काम के लिए बुलाएंगे। इसके साथ ही इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ पर, तो लाभ खूब होगा क्योंकि वो उनका ही घर है, तो जो पैसा आएगा ना उसको संभाल लेना, क्योंकि आने वाले ढाई साल, इस ढाई साल के बाद जो अगला ढाई साल आएगा उसमें आपका पैसा खूब खर्चा होने वाला है विदेश यात्रा में और बहुत सारे मंगल कार्यों में, तो अभी जो पैसा आएगा वो आपको संभाल के रखना है। इसके साथ ही शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी आपकी यात्रा स्थान पर, आपके सिबलिंग्स के घर पर और आपके पराक्रम पर। डट के पराक्रम करना पड़ेगा, डट के काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो होना ही है सरकार के, जब काम बहुत होगा तो आपको भागना दौड़ना तो पड़ेगा ही, और ये अच्छी खबर है। इसमें आप थक जाएं तो थोड़ा मसाज करा लीजिएगा, लेकिन काम को दोष मत दीजिएगा। इसके साथ ही शनि महाराज की दशम दृष्टि पड़ेगी आपके षष्ठ स्थान पर, तो क्या होगा, आपके जितने विरोधी होंगे वो सब दब जाएंगे। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये विरोधी आपके सबसे बड़े होते हैं, लेकिन अगर शनि महाराज की जिस पर दृष्टि पड़े वो विरोधी शांत ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। आपके लेन लेने का या लोन लेने का कोई समय नहीं है, आपको लोन नहीं लेना है किसी से, ना लोन देना है, और झंझट झमेले में नहीं पड़ना है। अगर आपके मामा पक्ष से कोई बीमार है तो उनका ध्यान रखना है। तो ये थी मेष राशि।